एजुकेशन भी आपकी फ्री है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, देन यू विल गेट मंथली स्टाइपेंड टू स्टडी इन जर्मनी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले लोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज एंथनी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जर्मन एम्बेसी अपॉइंटमेंट। थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होंगे आपके, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अब जर्मनी की जो एक स्टडी अब्रॉड पूरा प्लान है उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा, हर स्टेप की एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी सारी कंट्रीज में, यूरोप में या किसी और कॉन्टिनेंट में आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उसके बाद एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही एडमिशन मिलता है आप एम्बेसी की तरफ जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि जब आपने स्टडी अब्रॉड प्लान फॉर जर्मनी स्टार्ट करना है तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। इट मींस कि आपने अपॉइंटमेंट के क्यू में लग जाना है टू गेट अ स्टडी वीजा फॉर जर्मनी। तो जैसे ही आप जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट खोलेंगे फॉर अपॉइंटमेंट, आपको स्टूडेंट वीजा के लिए दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला आएगा अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट टू अप्लाई स्टूडेंट वीजा। इसी के नीचे एक और ऑप्शन नजर आएगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनका CGPA 3.7 या इससे ज्यादा है और वो जर्मनी में मास्टर के लिए जा रहे हैं, सेकंड ये होगा। सो ये दो बड़ी कैटेगरीज है। अगर आपका CGPA 3.7 है, आप मास्टर करने जा रहे हैं या इससे ज्यादा है, तो आप उनकी एक सेपरेट कैटेगरी या प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी जिसमें सारे लोग आते हैं, लाइक PhD, दाद स्कॉलरशिप वाले, MS, BS लैंग्वेज या कोई और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि जर्मनी पढ़ना चाहते हैं। अब ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये 6 से 7 बनती हैं, इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि मैंने जर्मनी स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है After like 6 month, 5 month or 1 year or maybe after 2 years, just apply. जैसे ही आप स्टूडेंट वीजा वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंड लास्ट ऑप्शन होगा कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपने सिलेक्शन जो करनी है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम एंड योर स्कॉलरशिप। सबसे पहला जो उसमें ऑप्शन है वो स्कॉलरशिप का है। अगर आपके पास दाद या कोई और जर्मन ऑफिशियल की स्कॉलरशिप है, जर्मनी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप देती हैं अदर देन दाद, तो आपके पास अगर स्कॉलरशिप है, आप क्या पढ़ने आ रहे हैं डजंट मैटर, बैचलर मास्टर और PhD इट डजंट मैटर। अगर आपके पास दाद की या कोई ऑफिशियल जर्मन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप है तो यू विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन PhD वालों के लिए, जो PhD करने आ रहे हैं वो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है मास्टर अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर ऐसा होता है कि ऐसा एडमिशन लेटर जिसपे कोई कंडीशन ना हो। उसके बाद अनकंडीशनल लेटर फॉर बैचलर। नेक्स्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज, शॉर्ट कोर्स, प्रिपरेटरी कोर्स और स्टूडेंटन कॉलेज। जब आप बैचलर करने आते हैं जर्मनी के अंदर तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैट्रिक के बाद 12 ग्रेड है, 11 एंड 12, लाइक मैट्रिक NFSC, जो कि जर्मनी के अंदर बैचलर करने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो ऐसे स्टूडेंट जो FA के बाद बैचलर जर्मनी के अंदर करना चाहते हैं उनको 1 साल के लिए स्टूडेंटन कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, और स्टूडेंटन कॉलेज में पढ़ने की जो कैटेगरी है वो भी इसी में फॉल करती है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप अगर प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ रहे हैं, या थर्ड इज
स्टूडेंटन कॉलेज। जो स्टूडेंटन कॉलेज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैचलर करना चाहते हैं इन जर्मनी। लेकिन अगर आपने ओ लेवल एंड ए लेवल स्टडी किया है तो देन यू आर एलिजिबल टू डायरेक्टली स्टडी बैचलर प्रोग्राम इन जर्मनी। उसके बाद ऑप्शन आता है अदर्स का। अदर्स का ऑप्शन इसलिए बनाया गया है कि अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप आज प्लान करते हैं कि मैंने जर्मनी में स्टडी करनी है, लेकिन आपके पास अभी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, आप अभी जाके अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो आप अदर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे जहां पे वो स्टूडेंट हैं जिनका जर्मन एम्बेसी को कुछ इलम नहीं है कि वो क्या पढ़ने आ रहे हैं, कौन से लेवल की एजुकेशन लेने आ रहे हैं। आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका अगर एडमिशन अगले साल या उससे अगले साल आ जाता है और आपको इधर से क्यू में है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो इट विल गिव यू अ बिग एडवांटेज। सो ये वाला ऑप्शन उनके लिए जिनके पास एडमिशन लेटर नहीं है और जो श्योर नहीं है कि उन्हें स्टूडेंटन कॉलेज में पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़नी है या कुछ और पढ़ना है, तो वो ये सिलेक्ट करके इस क्यू में लग सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट इतनी देर बाद मिलती है तो हम ये ऑप्शन पे नहीं जा रहे। भाई एजुकेशन फ्री है तो आप थोड़ी देर वेट कर लें, जो वेट का टाइम है उसमें आप अपनी जो है वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, ऐसा कुछ सीख के आओ, ड्राइविंग अपनी इंप्रूव कर लो, ड्राइविंग सीख लो, अपनी स्किल्स इतनी इंप्रूव कर लो कि आपको यहां आते साथ जॉब मिल जाए। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जहां जॉब बड़ी जल्दी मिल जाती है, जैसे स्वीडन, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इन जगहों पे बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। स्वीडन के अंदर 4,000 से 7,000 यूरो पर सेमेस्टर फीस है, इसी तरह नीदरलैंड्स के अंदर है, फिनलैंड में भी यही है, डेनमार्क में भी यही है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, दे हैव अ इकोनॉमी लाइक जर्मनी, बट यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इस तरह आप अपने आप को और ज्यादा स्किल्ड कर सकते हो, अपनी ही फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और उससे आपको बाद में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एजुकेशन भी आपकी फ्री है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, देन यू विल गेट मंथली स्टाइपेंड टू स्टडी इन जर्मनी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले लोगे। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट सिस्टम। अपॉइंटमेंट के बाद अगला जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एंड नोटराइजेशन एक्सप्लेन करूंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को नहीं भेजने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।